नमस्कार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट मंत्री भांचा श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंचे थे और इसी दौरान सीएम साय ने अपने साथ भांचा राम के लिए कई खास उपहार भी लिए थे। लंबे वक्त से चल रही प्लानिंग के बाद पूरा मंत्रिमंडल आज अयोध्या धाम के लिए निकला था और दर्शन करके वापस आ चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री साय और उनके सभी मंत्री अयोध्या जाएंगे। लंबे समय से प्लानिंग के बाद आज पूरा मंत्रिमंडल जब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे, इस दौरान सीएम साय ने कहा कि वो अपने भांचा राम के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। मंत्रिमंडल अपने भांचा राम के दर्शन के लिए पहुंचा तो खाली हाथ कैसे जा सकता था। यही कारण है कि रामलला के लिए साय कैबिनेट कई खास उपहार लेकर पहुंची। बेर फल की टोकरी, विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा, सीताफल। एक तरफ साय कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए तो वहीं दूसरी ओर इस दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट गठन हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथ माता कौशल्या के दर्शन क्यों नहीं किए। सरकार को छत्तीसगढ़ में बने कैबिनेट का गठन हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया। राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर है और उस मंदिर में माता कौशल्या के गोद में भगवान राम विराजमान है। कभी मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट के साथ माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करने देंगे? पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए, पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए राम लगा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक तरफ मंत्रिमंडल अयोध्या पहुंचा तो दूसरी ओर इस पर सियासत शुरू हो गई। देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को कब तक भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भांचा के दर पर साय कैबिनेट पहुंची थी और अयोध्या दर्शन के बाद जब साय कैबिनेट वापस रायपुर लौट रहा था उसी दौरान एक खास तस्वीर सामने आई। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह सभी मंत्री भगवान श्री राम के भजन गाते नजर आए हैं। मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे।
जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और अब आपको सुनाते हैं मंत्रियों के बयान। रामलला के दर्शन के बाद साय कैबिनेट के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। प्रभु राम के मंदिर दर्शन करने के लिए आज लोग लगा हुआ है, आतुर हैं। अब दुनिया के तमाम सारे देश से लोग वहाँ, लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वही अयोध्या का धाम हम सबको वहाँ आकर्षित करेगा, वही जगह बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ में वो अयोध्या धाम जाए और प्रभु श्री राम के दर्शन करें, और यहाँ के हमारे जो भगवान श्री राम के लिए यहाँ के बेर, यहाँ की चिरौंजी, यहाँ का महुआ, सबरी का जल, ऐसे अनेकों वस्तुएँ वो लेके गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। लला जी के ननिहाल से हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल रामलला जी की माटी को नमन करके आया है। हम सबके लिए सौभाग्य है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमने खुशहाली और प्रगति की कामना की है। आशीर्वाद मांगा है रामलला जी से।